राम राम जी, आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। आज सावित्री जी की रसोई में कुछ अलग हटके बनने जा रहा है। आलू लिए हैं, प्याज है और मेथी। सीजन की पहली मेथी है और नए आलू है और मेथी है। तो आज हम इनसे एक स्नैक्स बनाएंगे। तो जी चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये नए आलू हैं और ये मैंने अच्छे से धो लिए हैं। इनकी सारी मिट्टी साफ कर ली है और इनको अब हम ऐसे कट करेंगे और इसके हम हमें छोटे छोटे पीस करने हैं। ये देखिए जी, हमें ऐसे पीस कट करने हैं और ये हमें छीलने नहीं है क्योंकि इनका छिलका पतला है। ये सारे हमने अच्छे से कट कर लिए हैं। अब इनको मैं एक दफे और धोऊंगी क्योंकि इनके अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। तो मैं इन्हें एक दफे और धो लेती हूँ। इनको मैंने अच्छे से धो दिया है और अब ये मैंने एक प्याज लिया है, इसको भी हम ऐसे थोड़ा पतला पतला लंबा कट करेंगे। ये चावल का आटा है जो मैंने घर पे ही बारीक बारीक पीसा है, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। एक से दो चम्मच बेसन, इसको भी इसी में ऐड करेंगे और एक चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये धनिया और जीरा, मैंने इसको क्रश कर लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये दरदरी हरी मिर्च कुटी है मैंने, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। आप जिस तरीके से खाना पसंद करते हो उसी तरीके से कर सकते हो। आप जिस तरीके से मसाले खाने पसंद करते हो उसी तरीके से ऐड कर सकते हो। और इसमें जाएगा आधी चम्मच नमक। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और ये है चाट मसाला। और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आप दरदरा करके भी डाल सकते हो। मेरे पास नहीं था साबुत तो मैंने पेस्ट का यूज किया है। और अब इसमें ये मेथी जाएगी। मेथी मैंने मोटी मोटी ही कट करी है और ऐसी ही कट करनी है हमको। और इसको हम हाथ की सहायता से मिलाएंगे। ये हमने सारा मसाले और आलू और मेथी सबको एक जगह मिक्स कर लिया है और इसमें अभी पानी भी नहीं डाला है। और इसमें मुझे थोड़ी सी अभी बेसन की जरूरत लग रही है तो हम थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे। जिससे बाइंडिंग अच्छी आए। ये देखिए जी, हमें इनकी ऐसे छोटी छोटी टिक्की सी बनानी है और इसमें पानी की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए जी, एकदम बन रहा है अच्छे से। और अब हम इसको फ्राई करेंगे जी। सारी बन गई हैं और मैंने तेल भी चढ़ा दिया है और अब हम एक एक करके इसमें छोड़ेंगे। ये देखिए अच्छे से पक गई है एक साइड से और हमने इन्हें दूसरी साइड से पका रही हूँ। अच्छे से पक गए हैं और मैंने इन्हें एक पेपर पे निकाल भी लिया है, अभी आपको मैं दिखा रही हूँ।
एकदम क्रंची क्रंची और दिखने में तो यम्मी है, खाने में भी यम्मी ही लगेंगे।